लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मी के बीच बिहार में अब खुलकर मरकज बनाम रियासती सरकार की लड़ाई सामने आ गई है। बिहार में मरकजी इमदाद को लेकर वजीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा इल्जाम लगाया। सीएम नीतीश का इल्जाम है कि मरकज से बिहार का हिस्सा नहीं मिल रहा। बिहार में जो तरक्की हो रही है तो रियासती सरकार अपनी बदौलत कर रही है। दिल्ली वाला अवलो को इधर से उधर बाएं दाएं करेगा तो आपको कुछ देगा जी? खाली प्रचार ही ना होता है। जो केंद्र से जो मिलता था राज्य को आजकल मिल रहा है, जो शेयर है राज्य का हिस्सा है 41% मिलता है। अब कि जब हम आए थे उस समय क्या था, बजट कितना था जी? 21-22 हजार का बजट था। तो राज्य सरकार मेहनत कर करके अपनी तरफ से इतना काम कर रही है तो भूल मत जाइए, ये मत समझिए कि दिल्ली का कोई पैसा है, सब हम लोग यही कर रहे हैं। सीएम नीतीश के निशाने पर सीधे सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, साफ कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई पैसा नहीं मिल रहा। सीएम नीतीश ने इल्जाम लगाया तो बिहार के साबिक डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्विटर पर जवाब दिया, लिखा, जिस सियासत के कुल बजट का 60% मरकजी मदद सहायता पर मुनासिर है, वजीर आला को हकीकत छिपाकर बात नहीं करनी चाहिए। बिहार में जो भी बड़ी तरक्की हुई है वो मरकज की मदद से मुमकिन हुई है, इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। बीजेपी का साथ छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को मरकज की इमदाद में भेदभाव क्यों दिखने लगे? अगर हिम्मत है तो वो मरकज से कोई मदद ना लेने का ऐलान करें। जिस लहजे में सीएम नीतीश ने सवाल उठाए उसी लहजे में सुशील मोदी ने जवाब दिया, जिस पर अजीम इत्तेहाद के लीडर बिफर पड़े। कौन सा पैसा जो विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरा में दिया था, जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिए, कितना पैसा दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार नीतीश तेजस्वी की बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। हर योजनाओं में जो बिहार का वाजिब हिस्सा है उसमें कटौती कर रही है। तो ये कोई भीख थोड़ी मिल रहा है, ये हमारा अधिकार है। बिहार की जनता टैक्स दे रही है तो फिर तो केंद्र को तो देना ही पड़ेगा विकास के लिए। तो इस तरह से कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी मना कर दे, सुशील कुमार मोदी जी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बिहार के हैं कि गुजरात के हैं? और मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अजीम इत्तेहाद के लीडरान अपना हिस्सा मांग रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जवाब दे रही है कि बिहार की तरक्की में मरकजी सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। माननीय मोदी जी बिहार के वित्त मंत्री रहे हैं तो वो सारा जानते हैं अंदर का बात। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा फॉरवर्डिज्म से सरकार चला रहे हैं। पूरा बिहार सरकार का बजट 2,61,00,000 का है, जिसमें 32,000 करोड़ ही मात्र बिहार सरकार देती। बिहार में बीजेपी की हिमायत से वजीर आला बने नीतीश कुमार सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहे हैं। अभी 13 महीने पहले तक भी नीतीश एनडीए के साथ ही थे, लेकिन अब सीएम कह रहे हैं कि वो 2016 से 2023 तक बिहार में अपनी बदौलत तरक्की की इबारत लिखी जा रही है। लेकिन अब सीएम कह रहे हैं कि 2016 से 2023 तक बिहार ने अपनी बदौलत तरक्की की इबारत लिखी है। इससे पहले भी नीतीश कुमार मरकज पर निशाना साधते रहे हैं, बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसे वो हक नहीं मिल पाया। एनडी के साथ सरकार में रहने के बावजूद बिहार के खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं मिल सका। अब एक बार फिर नीतीश कुमार मरकजी हुकूमत को निशाने पर ले रहे हैं। शिवम, जी मीडिया, पटना।